2023 कैंसर लग्न, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में सडन मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, और जो जून महीना आपका रोमांटिक रहा, ये फर्स्ट वीक तक इसके रोमांटिक की भी इफेक्ट आप पर रहेगी। अब देखें, टू बी केयरफुल, आपको 2-3 तारीख और 30-31 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 6-7 आपके लिए स्ट्रेसफुल है, और 15-16-17 इस महीने का सबसे टफ दिन है। 15-16-17 आपको डिसीजन सब पेंडिंग रखने चाहिए। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा गलती करने वाले हैं 15-16-17 को। हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, आप कोई भी काम में स्ट्रेस फील करते हैं, तो 4-5-6-11-12 आपके कार्य क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट है। कर्मस्थान के लिए बहुत बड़ी मीटिंग होगी, आपको सक्सेसनेस मिलेगा 4-5-6-11-12 को। आपका बिजनेस के लिए डेफिनेटली ये बेस्ट टाइम है। इस महीने में आपको बहुत अच्छे प्रपोजल भी मिलने चाहिए, सडनली मॉनिटरी गेन भी है आपके लिए। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है, मैंने बताया वैसा, 2-3-30-31 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए मैं 1-9-10-28 और 29 बेस्ट मानता हूं, यानी कि इन दिनों को आप मिसयूज नहीं करिएगा, पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा इफ यू आर ए स्टूडेंट, 1-9-10-28-29 को। अब प्यार करते हैं उनके लिए 6 तारीख द बेस्ट है, उसमें पर्टिकुलरली 6 तारीख को 11 बजे तक का दोपहर का टाइम बेस्ट है, बट मैंने 5 तारीख भी ऐड किया हुआ है। ये शुक्र चंद्र का रोमांटिक दिन साबित होगा आपके लिए, रोमांटिक दिन है 6 तारीख तक का, 6 जुलाई तक का। मैरिज के लिए कोई संभावना इस महीने में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शेयर मार्केट के लिए देखिए 1-13-14-28 और 29, ये 5 दिन शेयर मार्केट में अगर जो आप डील करते हैं तो बेस्ट है, 1-13-14-28 और 29। फाइनेंस के लिए आपके हाथ में देखिए, बहुत किसी से पैसा मांगना चाहते हो तो मैं 21 और 22 आपके हाथ में बहुत सारा रोकड़ा पैसा आएगा, ये संभावनाएं दिखा रहा है। थैंक यू वेरी मच।